दोस्तों 7 अप्रैल से आईपीएल 2018 की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। अगर बात करें विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग की तो इसमें ड्वेन ब्रावो की बल्लेबाजी काबिले तारीफ रही। ड्वेन ब्रावो ने अकेले ही इस मैच को चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में डाल दिया। आपको बता दें कि पहले तो एक पल ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाएगी, लेकिन ड्वेन ब्रावो की खूंखार बल्लेबाजी ने इस मैच को जीत लिया। अगर बात करें 18वें ओवर से पहले की तो ड्वेन ब्रावो ने 19 गेंदों में मात्र 29 रन बनाए थे, लेकिन 18वें ओवर में मैकलिन की गेंदों पर ड्वेन ब्रावो ने पूरा मैच पलट दिया। 18वें ओवर के समाप्त होने तक ब्रावो ने 24 गेंदों में 48 रन बना लिए थे और फिर बुमराह के ओवर में पहले गेंद पर ही ब्रावो ने छक्का जड़ दिया और इस पूरे ओवर के खत्म होने तक ब्रावो ने 30 गेंदों में 68 रन बनाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद मैच को आगे बढ़ाते हुए आखिरी ओवर में केदार जाधव ने एक छक्के और एक चौके की बदौलत इस मैच को चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर दिया। दोस्तों इस मैच में ड्वेन ब्रावो की बल्लेबाजी काफी काबिले तारीफ रही। आपको ब्रावो की ये तूफानी पारी कैसी लगी? अगर आपको ब्रावो की बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ब्रावो लिखकर जरूर बताएं। साथ ही 2018 आईपीएल से जुड़ी सारी न्यूज तुरंत पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।